हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और मैं आज अपने चैनल में रेसिपी शेयर नहीं करूंगी। आज मैं आपको बच्चों के लिए खेलने का टॉयज बनाना दिखलाऊंगी। तो चलते हैं मशीन पर, और मैं मशीन पर ही बैठी हुई हूँ। और यहाँ पर पहले पैटर्न बना लेंगे। तो पैटर्न बनाने के लिए चार्ट पेपर लेंगे, और चार्ट पेपर पर देखिए 3.5 पर निशान लगा लेते हैं। और निशान लगाने के बाद यहाँ तक निशान लगा लिए 3.5 से, और अब यहाँ तक, यहाँ से देखिए 1.5 इंच पर, 1.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। 1.5 इंच से एक थोड़ा सा पॉइंट अधिक बढ़ा करके इसे निशान लगा लिए। और यहाँ से निशान लगाने के बाद इसे यहाँ तक देखिए लाइनिंग कर लिए। और उसके बाद देखिए यहाँ पर, यहाँ से यहाँ 1/2 सेंटीमीटर से 1 पॉइंट अधिक रखेंगे, और यहाँ पर निशान लगाएंगे। और ठीक ऊपर भी इसी तरह 1/2 सेंटीमीटर से 1 पॉइंट ज़्यादा रख के यहाँ पर भी निशान लगा लेंगे। और देखिए यहाँ ये दोनों एरिया बराबर, उतना छोड़ने के बाद बीच का एरिया 2 इंच बचना चाहिए, और यहाँ से यहाँ तक भी ये 2 इंच, और यहाँ से 2 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेंगे। और इधर भी इसे 2 इंच से इस तरह मिला करके निशान लगा लेंगे। और ये है डबल, चार्ट पेपर को डबल करके इस तरह निशान लगा लेंगे। और ये सभी तीनों साइड हो गए 2 इंच, और यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए 3.5 इंच। और ये देखिए डबल फोल्ड थे, तो इधर भी इसी तरह होगा, और यहाँ से यहाँ तक 3 हो जाएंगे। और अब इसे कट कर लेंगे, कैंची के सहायता से कट कर लेंगे। और इस तरह से पहले पैटर्न से पेंच बना लेंगे। और ये देखिए बन गए, और यहाँ से यहाँ तक भी 3 इंच हो गए। और अब बनाएंगे 5 कोने वाले पेंच। ये हैं 6 कोने वाले पेंच, और अब बनाएंगे 5 कोने वाले पेंच। तो देखते हैं 5 कोने वाले पेंच में, देखिए 5 कोने वाले पेंच भी इस तरह बनेंगे। यहाँ से यहाँ तक 2.7 है, यहाँ से यहाँ तक 2.7 है, उसके ठीक ऊपर 1.2 सूत, मतलब 1 इंच 2 पॉइंट पर ऊपर की ओर से निशान लगा करके तिरछा इधर 2 इंच पर लगा देंगे। और इधर भी इसके नीचे भी 2 इंच रहेंगे। और ये पांचों कोना इस तरह बनेंगे, वो भी 2 इंच के ही रहेंगे। और देखिए ये यहाँ से यहाँ तक फोल्ड करने के बाद इतना होते हैं 1 पॉइंट। और अब इस पैटर्न को बनाने के बाद इस पैटर्न के नाप से सारे पेंच को कटिंग कर लेंगे। तो एक बॉल में 6 कोने वाले पेंच लगते हैं 20, और 5 कोने वाले पेंच लगते हैं 12। तो इस तरह से कोई से भी कोने से एक एक पल्ले को जोड़ लेंगे किसी भी। और उसके बाद ये देखिए पीला वाले इसके बीच में जोड़ेंगे, एक एक कोने छोड़ करके जोड़ना। और इस तरह से तीनों कोने में भी पीले को जोड़ लेंगे। पहले तो रेड वाले को एक एक पर जोड़ देना है, उस एक एक गैप करके, उसके बाद बीच में पीले वाले को इस तरह से जोड़ देना है। और ये देखिए तीनों इस तरह से जुड़ गए, एक कोना पर दूसरे कोना से मिला करके पेंच को जोड़ देने हैं, 3 कोने को जोड़ देने हैं, इधर से यहाँ इधर से ऐसे करके 3 कोने जोड़ देने हैं। अब उसके बाद पीले वाले पर रेड वाले पेंच के कोई से भी पल्ले को ले लेना है, किसी भी तरफ से इसे जोड़ देना है एक सीधे में, तीनों पर सीधे सीधे से जोड़ देना है। और इस तरह से जुड़ गए।
अब देखिए इस तरह से जुड़ने के बाद ये देखने में इस तरह से लगने लगे। अब इसमें फिर ये पीले कलर के पेंच लगेंगे येल्लो वाले, यहाँ से इस कोना से लेकर के वहाँ पर नीरिल दबा करके फिर इस कोना से फिर उस कोना, तीन तीन इसमें भी जुड़ जाएंगे। इस तरह से तीन जुड़ गए और अब इस वाले में चार कोने जुड़ जाएंगे और दो कोने रह जाएंगे। तो यहाँ से ये आए, फिर इस जगह से यहाँ पर लाएं और फिर जगह इस जगह पर नीडिल दबा करके पॉइंट टू पॉइंट मिला करके जोड़ देंगे। तो देखिए इस तरह से ये चार कोने जुड़ गए और अब इसी तरह से इन दोनों साइड भी इसी तरह से जोड़ लेंगे। और देखिए और ये भी जुड़ गए इधर साइड। अब लास्ट ये बच गए हैं तो इसमें भी उसी तरह से जोड़ेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक में इसे भी जोड़ देंगे। तो देखिए किस तरह से जोड़ रहे हैं, इस पॉइंट से उस पॉइंट तक मिलाने के बाद नीडिल दबा करके फिर उधर ले जाना है, फिर उस पॉइंट में भी नीडिल दबा करके फिर इधर की ओर रेड के ऊपरी हिस्से तक ला देना है। और फिर इसमें भी येल्लो को एक पेच बचा है तो एक पेच यहाँ येल्लो को इस कोने से ला करके उस कोने पर रोक करके फिर दूसरे हिस्से को उसको ला करके लास्ट कर देना है। और इस तरह से देखिए एक पल्ला तैयार हो गया और इसी तरह से दूसरा पल्ला भी तैयार करेंगे। और देख लीजिए किस तरह से जुड़ा हुआ है, अच्छी तरह से देख लीजिए किस तरह से जुड़ा हुआ है। और इसके बाद अब दूसरे पल्ले को बनाना शुरू करते हैं। तो उसी तरह से दूसरे पल्ले भी बन जाएंगे बिल्कुल उसी तरह से ही। और देखिए उसी तरह से ये पल्ले भी बना दिए। अब एक पल्ला का येल्लो के दोनों के बीच वाले से हिस्से से पकड़ने हैं, दोनों के जोड़ येल्लो के दोनों जोड़ के बीच में रेड वाले के ऊपरी हिस्से को पकड़ के। और इसी तरह जिस पल्ले का ऊपरी हिस्सा रहेगा दूसरे पल्ले का निचले हिस्से से जोड़ेंगे, फिर दूसरे पल्ले का ऊपरी हिस्सा तो अगले पहले पल्ले का निचला हिस्सा, इसी तरह करके सारे चारों तरफ जुड़ जाएंगे। और देखिए इस तरह करके चारों तरफ पॉइंट टू पॉइंट मिलाते हुए जोड़ देंगे। और इस तरह से देखिए पूरे बॉल चारों तरफ से जुड़ गए और इतना सा खुला छोड़ देंगे। तो देखिए इतना सा खुला इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि इससे पलटाएगा। और ये देखिए चारों तरफ से बॉल की तरह गोल हो गए हैं राउंड सर्कल में। और अब इसको पलट ले रहे हैं और इस तरह से पलटने के बाद देखिए इस तरह से दिख रहा है तो अच्छा लग रहा है ना। कॉटन फिलअप होने के बाद ये और भी अच्छे लगेंगे। और देखिए तो कैसा लगा, अगर थोड़ा भी अच्छा लगा। और यहाँ देखिए कॉटन फिलअप हो रहा है और कॉटन को इस तरह से अच्छी तरह से हाथ से दबा दबा के चारों तरफ अच्छी तरफ से बराबर से कॉटन डाल देना है। और कॉटन डालने के बाद उसके जो खुले हुए भाग हैं उसे बंद करना है। तो उसे बंद करने के लिए सुई में धागा डाल लेंगे, उसमें गांठ लगा लेंगे, गांठ को नीचे की ओर रखेंगे और ऊपर की ओर सुई को निकाल करके एक पल्ला में ही दूसरे पल्ला से सुई को इधर घुसा करके उसको ऊपर से निकालने के बाद दूसरे पल्ले में डालेंगे, उसको भी नीचे की ओर से डाल के फिर ऊपर की ओर से सुई इधर से निकालने के बाद फिर इस तरह से सिलेंगे। और इस तरह से सिलने के बाद वो बिल्कुल लगेगा कि मशीन से सिला हुआ है। तो इसी तरह देखिए कैसे सुई को उसी कपड़ा में
उसके नीचे से ऊपर की ओर खींचने के बाद दूसरे तरफ ले जा करके उसको भी नीचे की ओर से ऊपर की ओर खींचते हैं और इस तरह करके पूरे को पूरा जितना खुला भाग है सारे को बंद करने के बाद ये देखिए सारे बंद हो गए हैं। और उसके बाद लास्ट में धागे में ही धागे को डाल करके गांठ लगा लेंगे। गांठ लगाने के बाद सुई को अंदर की ओर से थोड़ा बाहर की ओर निकाल के धागा काट देंगे बॉल में ही थोड़ी दूरी पर, और उसके बाद उसे कटर से धागे को हटा देंगे। तो ये देखिए, और ये अब खुलेंगे नहीं। तो बॉल कैसा लगा? अगर थोड़ा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। बाय बाय, अगले वीडियो में मिलेंगे।